हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू द चैनल टेक बैलिस्टिक। हाल ही में रियलमी ने अपने 3 स्मार्टफोन को टीज किया है, जो कि रियलमी की सी सीरीज के 3 स्मार्टफोन हैं। इसमें हमें रियलमी C20, C21 एंड C25 देखने को मिलने वाले हैं और इनकी लॉन्चिंग 8 अप्रैल को होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि ये किन स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाले हैं और ये किस प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट की वीडियो लेके आता रहूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं रियलमी के C20 एंड C21 के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही स्मार्टफोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, बस हमें रैम वेरिएंट के हिसाब से इनकी प्राइसिंग ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। C20 एंड C21 में हमें एक 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है HD+ रिजोल्यूशन के साथ में, और इसमें हमें 400 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें हमें MediaTek Helio G35 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है जो कि 10,000 के प्राइस रेंज के अंदर में हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इसमें हमें MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर दिया गया है, और हो सकता है कि रिसेंटली में लॉन्च हुए माइक्रोमैक्स के कुछ स्मार्टफोन्स के ये कंपेटिटिव हो, क्योंकि इसमें जो हमें बैक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है C20 में और C25 में, ये दोनों ही डिज़ाइन हमें माइक्रोमैक्स के 1V में भी देखने को मिले थे। तो सेम रियलमी ने वही डिज़ाइन जो माइक्रोमैक्स 1V में दिया गया था, सेम वही डिज़ाइन हमें C20 एंड C25 में भी दिया है। तो आई होप कि C20 एंड C21 में हमें 10,000 की प्राइस रेंज पे, यानी कि जो प्राइस रेंज 1V की थी, वही प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग 7,000-8,000 के आसपास हमें देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं C20 एंड C21 की बैटरी के बारे में। तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इसमें हमें कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल की, तो इसमें हमें 13 megapixel का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, और साथ में हमें फ्रंट में 8 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई इसके कैमरा और बैटरी के बारे में। अगर हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसमें हमें पीछे के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, और डिज़ाइन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 1V के सेम कॉपी के हिसाब से इसमें डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं रियलमी C25 के बारे में। तो C25 में हमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी 480 nits की ब्राइटनेस के साथ में। वहीं अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें हमें MediaTek Helio G70 का एक प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। G70 काफ़ी सही प्रोसेसर है, और गेमिंग के हिसाब से और मल्टीटास्किंग के हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देगा। C20 एंड C21 10,000 के प्राइस के नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं, और वहीं C25 की बात करें तो C25 हमें लगभग 12,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल की, तो इसमें हमें 14 megapixel का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 14 megapixel का प्राइमरी कैमरा एंड 2 megapixel के हमें डेप्थ और मैक्रो सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इसकी सेल्फी कैमरा की, तो इसमें हमें 8 megapixel का सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी प्राइसिंग अभी सामने नहीं आई है, ये इनके रैम वेरिएंट के हिसाब से इनकी प्राइसिंग डिसाइड होगी। तो लॉन्च के टाइम हमें पता चलेगा कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी। जैसे ही मुझे कुछ भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट को पिन आउट कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।